निगम द्वारा लगातार कई वर्षों से है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। एक ओर शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाजीवाल शहर की जनता को अनेका सुनहरा ख्वाब दिखाकर वाहवाही लूट रहे हैं, 12 में धरातल पर पहुंचे हमारे संवाददाता शंकर नाले की वास्तविक स्थिति देखी और पाया कि शंकर नाला पूरी तरह मलबे से अटा पड़ा है और नाले का गंदा पानी अपने लिए जगह बनाकर प्रवाहित हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं मोहनगर पश्चिम के वार्ड 11 और 12 के बीच में, जहां पर सालों से काम चल रहे शंकर नाला की दुर्दशा बयान करने आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो शंकर नाला बह रहा है अपने असली रूप में ना आकर लोगों के बताए हुए जिस तरह से नगर निगम द्वारा लगातार इसको लेकर वाहवाही लूटी गई है कि अब तक के काम पूरे हो चुके हैं और अब आज हम धरातल में आके देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर काम पड़े हुए हैं। इसको लेकर हम यहाँ के वार्ड पार्षद अजीत वैद्य से चर्चा करेंगे कि किस तरह की यहाँ दिक्कतें हैं और यहाँ के रहने वालों को किस तरह की परेशानी हो रही है। आइए हम बात करते हैं अजीत जी से, बताएं किस तरह की यहाँ पर परेशानी है और क्या दिक्कतें हैं। परेशानियों का बवंडर ला करके जमा कर दिया है आज नगर निगम ने, ना जाने ये कहाँ का मलमा यहाँ पर ला करके रख दिया मेरे वार्ड के किनारे। नाला बना रहे हैं करके लोगों ने अपनी वाहवाही तो लूट लिया है। शंकर नगर नाला अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, बन गया है करके उन्होंने अपनी वाहवाही तो लूट ली है। आज सर जहाँ जहाँ भी मलमा पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ गंदगी फैली हुई है, इसका कारण यही है कि इन्होंने पता नहीं किस जगह का मलमा ला करके यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है और पूरा का पूरा वो गंदगी मेरे यहाँ आकर के पूरी जमा हो गई है। पानी का बहाव देखना एक किनारे से है, मुश्किल से 3 फीट 4 फीट के बहाव हो रहा है, बाकी पूरा एरिया मलमे से भरा हुआ है और ये मलमा मेरे वार्ड के बच्चे बुजुर्ग लोगों के लिए घातक हो गया है। आए दिन वो बीमार पड़ रहे हैं, आए दिन वो लोग गिर रहे हैं नाली में, मवेशियों का उसमें गिरना और कैसे कैसे उन लोगों को खींच के निकालते हैं हम लोग। एक गैया कल्या परसों तो वो मर भी गई है। जिस तरह से नगर निगम द्वारा सफाई को लेकर जो अभी अभियान चलाया जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था को देखकर? साफ सफाई सर अब ऐसा है कि अब वो अपने हिसाब से कैसे भी वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन आज धरातल पे आएँ और यहाँ पर आकर के देखें कि नगर निगम कितनी सफाई कर रही है और किस स्तर तक यहाँ पर गंदगी फैला के रखी, न जाने कहाँ कहाँ का यहाँ मलमा ला करके जमा कर दिए और साफ सफाई अब स्वच्छ होने का वो वाहवाही लूट रहे हैं। तो एक तरफ जैसे कि नगर निगम द्वारा शंकर नाला के निर्माण को लेकर लगातार कार्य किए जाने की बात कह रहे हैं और यहाँ पर धरातल में देखने को मिल रहा है कि व्यवस्था यहाँ की जस की तस पड़ी हुई है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मलबा हजारों की तादाद में ट्रकें यहाँ पर पड़ी हुई है, उसके बाद अब ये देखना है कि नगर निगम द्वारा किस तरह की यहाँ की व्यवस्था में सुधार लाया जाता है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड पार्षद अजीत वैद्य ने मीडिया के माध्यम से अपनी वार्ड के लोगों की परेशानियां उजागर की और शंकर नाले की स्थिति बताई। यहां पर इतनी मतलब परेशानी हो गई है कि नाले में बच्चे लोग हमारे गिर रहे हैं, रात के समय बैठना दुर्भर हो जा रहा है मच्छरों की वजह से। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये जो देख रहे हैं, बच्चे खेलने जाते हैं तो गिर जाते हैं नाले में, तो इससे हमें दो प्रकार के नुकसान हो रहा है। एक तो मेडिकल खर्चा भी हमारा बढ़ रहा है और दूसरा मैं ड्यूटी वाले पर्सन है, घर में आ नहीं पाते, तो ये दिक्कतें हो जाती सर। तो जितना जल्दी हो सके प्रशासन से अनुरोध है कि इसको पटवाएं जगह को और हमें निजात दिलाएं। तो जब से नाला भर रहा है, पिछले 2 साल से नाला भर रहा है पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यह हम लोग को मच्छर की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उसमें गिर जाते हैं, उनको लगना हो जाता है और फिर गाय वगैरह जानवर भी आते हैं वो भी गिर जाते हैं दलदल में। तो ये जो ये मलबा पड़ा हुआ है तो उसको लेकर हटाने के लिए आप लोग नहीं बोलेंगे? बोले थे ठेकेदार को, उनका कहना है कि जब पूरा नाला बन जाएगा उसके बाद ये मट्टी जो है निकाल के इसको लेवल में लाएंगे। कब तक बनेगा ये? अब ये तो उनके ऊपर है सर, अब हम क्या बताएं, पिछले 2 साल से नाला बन ही रहा है। ठीक सर, असली में क्या है, जब ये काम चालू हुआ था ना यहाँ का तो बहुत फुर्ती से चालू हुआ था, मैं उसके बाद इतना स्लो हो गया है और देखिए कितना पानी भर गया है यहाँ पे। कब से ये ऐसा पड़ा हुआ है, कितने साल से? अपना 2 साल करीब हो गया है। तो क्या बोलते हैं काम करने वाले लोग? क्या बोलते हैं कि ठीक है कर देंगे, आज अभी इसको पूरा होने दो उसके बाद पूरा कंप्लीट करेंगे। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? मच्छर बहुत हो रहे हैं, बदबू आ रहा है पानी का, हवा चलती है। लाखों रुपए खर्च कर शहर के विकास कार्य की दशा बयान करता शंकर नाला, जो अब तक अपने पूर्ण स्वरूप में आने को तरस रहा है, जाने कब इसका उद्धार हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।